रिवाल्डो प्लीज। वैसे आप नितिन नाम ज्यादा पसंद करते हैं या रिवाल्डो? दोनों सही है, मुझे कोई पहचानता तो है नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। राइट, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मैं फरीदाबाद से हूँ, सुना होगा आपने, इंडस्ट्रियल इलाका है यहाँ दिल्ली के पास। यहाँ पोल्यूशन है दिल्ली में, फरीदाबाद में और भी ज़्यादा बुरी हालत है। इतना ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ पे कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो है लंग कैंसर का, वो प्राणायाम है। सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है अब। राइट, और दिल्ली में अब नई सीएम है केजरीवाल, राइट, और बड़े गजब आदमी यार। मुझे लगता है दिल्ली ने सीएम नहीं घर जमा इलेक्ट कर लिया एक, कि घर बैठ के टांग तोड़ने कुछ काम नहीं करना है उसको, जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो दिखा मुझे, मूवी रिव्यू देना है। राइट, और पहले कसम खाई थी इलेक्शन से पहले 2013 की, यार मैं जीतूंगा तो सपोर्ट नहीं लूंगा कांग्रेस का। फिर सपोर्ट लेकर सरकार बनाई। राइट, और इतने फ्रॉड आदमी है। फिर मतलब आप देखो, शपथ समारोह में बच्चों को ही बुलाया, बच्चों की झूठी कसम। और बच्चे कह रहे मम्मी पापा ने हमारी झूठी कसम खाई थी, ये बच्चों को तो क्या ही सच्ची खाएंगे। बिकॉज देखो, कसमों की हायरकी में सबसे नीचे आती है भगवान कसम, जो है ना। राइट, माँ कसम, बच्चों की कसम, भगवान कसम, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मनमोहन सिंह सेल्फ एस्टीम, केजरीवाल क्रेडिबिलिटी, मतलब ये फ्लोचा। भगवान की बनी झूठी खाने के लिए। आपको याद क्रिकेट में जब आउट हो जाते थे बचपन में झूठा, अबे भगवान कसम मैंने बैट रगड़ दिया था यार। भगवान कसम कोई चक्कर नहीं है बॉस, मम्मी कसम खा, ठीक है छोड़ दे बॉल दे। मम्मी कसम वादी थर्ड अंपायर ऑफ गले क्रिकेट। राइट, वो कोई तो मुझे तो शपथ समारोह वैसी है, फॉर्मेलिटी होते हैं, आपको सच्ची कसमें खिलानी है, माँ कसम खिलाओ, आधी पूरी नहीं होंगी। मैं अरविंद केजरीवाल अपनी जंग साहब, मम्मी की तबीयत तो वैसे ही, सोनिया माँ की खा लूं। आप घबराओ मत, वो केजरीवाल इतना फ्रॉड आदमी है, किसी की सच्ची कसम खाए तो मर जाए वो, तो झूठी कसम वाले जिंदा रहते हैं, इसलिए बच्चों को झूठी खाई थी उसने। राइट, और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, देखो मैं डिस्क्लेमर डाल दूं, मैंने डोनेट किया था आम आदमी पार्टी को पैसा चेक से, और मैंने अप्लाई भी किया था टिकट के लिए दिल्ली इलेक्शंस में, केजरीवाल ने मना कर दिया, कहते तेरी डिग्री असली है। तो फिर वो तोमर को मिल गई वो वाला, तो यार कट गया मेरा पत्ता। और पर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लाएं आप, देखो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वो ब्लैक का पैसा लेती हैं, पता ही नहीं कुछ भी। केजरीवाल ने वाइट का पैसा लिया लोगों से और लिस्ट गायब कर दी, इसने वाइट को ब्लैक बना दिया। यार आईटी कमिश्नर को लूपहोल नहीं बताऊंगे, बाकी इसको बताऊंगे फिर। नॉर्मली आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टी जिससे फंडिंग लेती है उसका काम करती हैं। केजरीवाल ने प्रशांत भूषण वगैरह ने 2 करोड़ दिए थे, उनको ही लात मार दी। नॉर्मली होता है ना कि आपके वीसीज होते हैं वो सीईओ को निकालते हैं कंपनी से, केजरीवाल वो सीईओ है जिसने वीसीज को फायर कर दिया। तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो आई है आप देखो हिंदुस्तान में। और डिमोनेटाइजेशन के बाद मुझे लगता है कि यार जीडीपी वगैरह काफी कम होगा, जैसे मनमोहन सिंह ने सही कहा था। बिकॉज आपको याद है 8 नवंबर के बाद 3 रात तक तो ममता दीदी पेंटिंग ही बना रही थी, फिर वो दिल्ली आई, यहाँ नहीं बिकी, पटना गई वहाँ नहीं बिकी, तो 2 करोड़ की पेंटिंग रद्दी हो गई। यार अब जीडीपी तो कम हुआ है, और मनमोहन सिंह बोलते हैं तो होगा, बिकॉज आई थिंक इन द लॉन्ग रन ऑल इकोनॉमिस्ट आर रॉन्ग, जिन्होंने फॉलो किया है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड की। तो दिक्कत आ रही है। देखो यार आपने देखा होगा राहुल गांधी गए थे बैंक पे नोट बदलवाने, तो पहले तो मैं सरप्राइज था, मैंने कहा इनके यहां पे भी अकाउंट है। पर फिर मैंने कहा नहीं यार नोट बदलवाने क्या है, पर नोट बदलवा क्या, और उसके पास पेटीएम या एटीएम वगैरह नहीं है इसके पास। पर फिर मैंने कहा नहीं यार गांधी फैमिली तो अभी 2G यूज करती है, इन सब के लिए 3G 4G चाहिए होता है, वो तो अभी 2G पे लगे हुए हैं। और देखो फैसिज्म का टाइम आपको पता है, अभी मोदी जी कुछ बोलने नहीं देते हैं। अभी राजदीप गए थे इंटरव्यू लेने सोनिया जी का, इंटरव्यू ऑफ द डेकेड, और कितना क्रांतिकारी इंटरव्यू था। आप इंदिरा जी के साथ किचन में खाना बनाती थी? मैंने कहा आगे भी पूछ लेते, गैस पे LPG यूज करती थी या KG या कोयले की भट्टी पे बनाती थी, मतलब। पर मोदी जी ने डंडा कर रखा है, राजदीप की हिम्मत ही नहीं हुई, कैसे पूछ लें, फैसिज्म है। और राहुल यार गलत बोल रहे हैं देश को ना, बोलते हैं कि यार बाहर स्विस बैंक्स में बड़ा सारा पैसा है, वो मोदी जी कब लाएंगे। मैंने कहा है यार, कोलगेट में 0 लॉस था, 2G में 0 लॉस था, कॉमनवेल्थ में 0 लॉस था, जब स्कैम हुए ही नहीं तो पैसा वहां पे कहां से आएगा। तो जितने 0 बैलेंस अकाउंट जनधन में, तो स्विस बैंक में पड़े हुए हैं,
तो और पर अब वो बोल रहे हैं कि पैसा है तो उन्हें ज्यादा पता होगा यार, तो उन्होंने ट्रांसफर मार दो, वो काम भी मोदी जी करेंगे, और मोदी जी ले आएंगे तो फिर बोलोगे अकाउंट हैक कर लिया हमारा, फिर आप डिजिटल इंडिया को गाली दोगे। मैं पर्सनली बहुत फैन हूं गांधी, जैसे एक्चुअल गांधी जी का, याद है आपको, वर्कहॉलिक आदमी थे यार गांधी जी, देखा है आपने, जैसे नेहरू जी को देख के वो फील नहीं आती थी, है ना, वो सूट बूट में रहते थे, तो गांधी जी पूरा, मतलब नेहरू जी घर पहुंचते होंगे ना, मैं एक दिन गए तो कस्तूरबा जी वो बापू कहां पे हैं, नमक लेने भेजा था 4 महीने हो गए, तो बापू वापस है, तो बापू कहां रह गए थे आप, अबे नमक के टेस्ट लगा दिए इन लोगों ने यार, तो एक पाव नमक के लिए 250 किलोमीटर चले जाओगे, नहीं गुज्जू पंत की भी हद होती है बायकॉट बापू। फिर गांधी जी ने नमक दिया कस्तूरबा, ये लो नमक, उन्होंने फेंक के मारा, मैंने सेंधा नमक मंगवाया था। ब्रिटिशर्स गांधी जी फास्ट रख रहे हैं, ब्रिटिशर्स परेशान है, 15 दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा है इनको, कहते वो अंदर कस्तूरबा ने जी भी करवा चौथ का रखा हुआ है ना, कहते पहले भी रखती थी, अब सेंधा नमक वाला है इस बार। पर गजब है, बहुत देखो बहुत किया है इन्होंने हमारे लिए, जैसे नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे अपने, भाई पटेल अंबेडकर के थोड़ी बना दिए प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा जी ने गरीबी हटाई अपनी, हमें तो पता नहीं है, हमारे पापा तो तब भी साइकिल पे चलते थे, राजीव जी कंप्यूटर लाए, इतना ड्रिल कर दिया हिंदुस्तान में इस प्रोपोगेंडा को, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, जब मैंने पहला एप्पल का लैपटॉप खरीदा आईफोन खरीदा, मुझे लगा ये जो सेब है ना राजीव गांधी ने खाया होगा, बिकॉज तो कुछ भी लाते थे अपना कट रखते थे। भाई बोफोर्स में नहीं छोड़ो, लैपटॉप कौन सी तोप है, एलिजिडली मतलब बोफोर्स तो हुआ ही नहीं, ऐसी अफवाहें आ जाती हैं। फिर बहुत है यार, मतलब फिर संजय गांधी थे, वो उस समय वैसेक्टिमी करा रहे थे 77 में, है ना, तो अब उनके नाम पे बॉम्बे में नेशनल पार्क है, एक बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज, तो नाम जानवरों को तो बख्श देते कम से कम यार, देखो सही था वैसेक्टिमी करा रहे थे, पर 5 साल लेट हो गए मुझे लगता है वो ना। तो फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ आपका 15 अगस्त 1947 को, और नेहरू जी ने स्पीच दी थी बड़ी फेमस, व्हेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू न्यू फ्रीडम, अंग्रेजों से आजादी की स्पीच अंग्रेजी में, और पीछे अंबेडकर कंफ्यूज हैं, पटेल साहब ये सिर्फ साउथ इंडिया आजाद हुआ है क्या, स्पीच अंग्रेजी में क्यों दे रहे हैं, मतलब पूर्ण स्वराज नहीं मिला है क्या हमें, तो इसलिए हमारा यार अंग्रेजी में स्पीच थी, ऊपर यूपी बिहार हरियाणा में तो आईडिया लगे देश आजाद हो गया, पंजाब में 9 बजे के बाद हिंट लगा कि यार बापू इज सेइंग वी आर फ्री, कहते पापे हैप्पी आर चल रहा है अभी, एवरीथिंग इज फ्री। फिर गांधी जी के ऑनर में गुजरात को ड्राई स्टेट किया गया, एक्चुअली नेहरू जी ने बाकी स्टेट से भी पूछा था, हाँ भी राजस्थान तुम्हें ड्राई बना दें, सर ये काम इंद्र भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल तुम्हें, सर हमारा देखो माउस्ट इलाका है, आप लीगल करो इलीगल करो आपकी श्रद्धा है, हमें पंजाब तुम्हें ट्राई बना दें, देखो भाई साहब आजादी अपनी जगह है और दारू अपनी जगह है, नहीं अपने राज में अपने राज्य में नहीं पी सकते, किस बात का पूर्ण स्वराज, नहीं चाहिए आजादी खालिस्तान दे दो हमें, और पंजाबी बड़ी कॉन्फिडेंट कौम है यार मुझे लगता है ना, एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ एल्कोहल, राइट, और वो रिफ्लेक्ट करता है हर जगह पे, आप देखो इन मतलब इनके डाउट ही नहीं होता पंजाबियों में, जैसे मनमोहन सिंह इंट्रोवर्ट थे, पूछा था वैसे पीएम बना रहे हैंडल कर लोगे, हाँ जी कर लूंगा, 10 साल पीएम थे पूरे देश के नहीं, पर मैं हूं पीएम, पंजाबी डाउट ही नहीं होता, केजरीवाल बनिए लोग डाउट में जीते हैं, वो एक बार सीएम बन के उसे यकीन ही नहीं हुआ, वो धरना देने बैठ गया, नहीं मैं आम आदमी हूं। उसे एक बार तो सिंकिन होने में लगा कि यार हो क्या गया ये। फिर अभी आपने नया नोट देखा जो आया है, कश्मीर में भी काफी अटैक्स कम हो गए हैं वैसे आजकल, तो अब्दुल्ला साहब आए हैं तो, हाँ जी
नहीं कश्मीर पे क्या सुना यार, वहाँ तो राहुल कमल साहब ने बोला ही था कि टेररिस्ट इसलिए बनते हैं गरीब होते हैं. अब गरीब के पास तो पैसा है ही नहीं, तो फिर डिमोनेटाइजेशन से क्या फर्क पड़ेगा उसको जो है. और अगर पैसा होगा तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी बैक डेट में, उन्होंने AK-47 खरीद ली होंगी. तो दोनों तरह से, मतलब जिस तरह से आप देखना चाहो वैसे आंसर्स हैं, राइट. तो कहाँ था मैं, तो हाँ, तो मैंने कहा देखो गांधी जी ने इतनी मेहनत करी आज़ादी के लिए ना, इसलिए नोटों पे गांधी जी की फोटो है, राइट. बिकॉज आप देखो हिंदुस्तान में क्या है ना, आप इंटीरियर्स में जाओगे, लेडीज जो है ना, जो पैसा है वो आपका ना जैसे हैंडबैग्स में नहीं रखती, वो हार्ट के पास रखती हैं. एंड वॉट अ ग्रेट आइडिया, उन्होंने सिर्फ पैसों की पोजिशन चेंज करके एक पेटी क्राइम को एक नॉन बिलेबल ऑफेंस बना दिया, राइट. और ये हैबिट जानते थे फ्रीडम फाइटर्स हमारे यहाँ पे ना, इसलिए फोटो पे गांधी जी की फोटो छापी नोटों पे, बिकॉज सिर्फ वही है जो इतने हॉस्टाइल टेरेन में संयम रख सकते हैं. बिकॉज यू नो ही यूज टू स्लीप विद नेकेड वुमेन टू प्रैक्टिस सेलिबेसी, पढ़ा होगा एक्सपीरियंस विद ट्रूथ में आपने. नहीं तो नेहरू जी का भी मन था कि पटेल साहब कुछ 150 के नोटों पे तो हमारा भी छपवा दो यार, हम भी चाचा हैं, छोटे नोटों पे हमारा भी कुछ करवा दो यार. पटेल वाज लाइक नो नेहरू, तो उससे कश्मीर वैली हैंडल नहीं तो सिलिकन वैली तो छोड़ ही दे. और अभी फैसिज्म का टाइम चल रहा है, आपको बताया गया होगा बहुत सारे लोगों ने, मीडिया बोलता है फैसिज्म है, और मैं कहता हूं है. आप देखो मोदी टॉयलेट बनवा रहा है, दो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, 5 करोड़ LPG सिलेंडर दिए हैं, वो गैस चेंबर्स हैं, स्वच्छ भारत इज एथनिक क्लेंजिंग, कश्मीर इज बैटल ऑफ स्टालिनग्राद, एंड सर्जिकल स्ट्राइक वॉज द इन्वेजन ऑफ पोलैंड. थैंक सो मच, दैट्स माई टाइम, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग. थैंक यू सो मच.